नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू। नया रास्ता रिटन बाय सुषमा अग्रवाल जी। लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर 4। अभी ये जो दृश्य है, ये जो सीन है, अब ये है दयाराम जी के घर का, यानी कि मीनू के घर का, क्योंकि वो लोग अभी भी जवाब पत्र का इंतजार कर रहे हैं। सुबह के लगभग 11 बजे होंगे, पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था। पहले के जमाने में जब फोन्स वगैरह नहीं रहते थे, जब कोई लेटर्स आने वाले रहते थे तो कोई मैसेज आने वाला रहता था, तो बहुत ही बेसब्री से हम लोग पोस्टमैन, डाकिया जिसे हिंदी में कहते हैं डाकिया, पोस्टमैन, उसका इंतजार करते थे। तो यहाँ मीनू के घर पे भी पोस्टमैन का इंतजार होने हो रहा था, क्योंकि मेरठ से, अमित के घर से उनके यहाँ जवाब आने वाला था। सुबह के लगभग 11 बजे थे, पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था, घर में सबको इंतजार था। दे वेर वेटिंग किसके लिए? पत्र का, उस पत्र का, उस लेटर का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। मतलब बस अब एक लेटर से समझ में आने वाला था कि मीनू का रिश्ता अमित के साथ हो रहा है या नहीं। मतलब लड़के वालों को, अमित के घर वालों को मीनू पसंद है या नहीं। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बात करने में व्यस्त थे। मतलब सब लोग बिजी थे और कहीं ना कहीं वो लोग पोस्टमैन का इंतजार कर रहे थे, अपने अपने काम में व्यस्त थे, बिजी थे और पोस्टमैन का इंतजार कर रहे थे। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है। माताजी कौन? मीनू की माँ। मीनू की माँ को कहीं ना कहीं मन में ये डाउट सा आ रहा था कि अभी काफी दिन हो गए थे, अब तक कोई भी जवाब नहीं आया था, कोई लेटर, कोई चिट्ठी नहीं आई थी। तो उन्हें लग रहा था कि शायद अमित के घर वालों को ये वाला रिश्ता मंजूर नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या अपना ये हाँ नहीं की इस रिश्ते के लिए, इसलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। पिताजी कह रहे थे, पिताजी कहते, अरे भाई यहाँ से पहुंचने पर घर में सलाह करेंगे, फिर पत्र लिखेंगे, फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। और पिताजी कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, यहाँ से जाएंगे घर पे तो सलाह करेंगे, विचार करेंगे, मिलकर सब लोग डिसाइड करेंगे और फिर पत्र लिखेंगे, और हो सकता है डाक मतलब पोस्ट में शायद गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी पोस्ट में चिट्ठी आने को लेट भी हो जाता है। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। मीनू को पता था कि सब घर वालों के मन में क्या चल रहा है, 11 सुबह के टाइम पे सभी लोग पोस्टमैन का इंतजार कर रहे हैं और सबके मन में यही चल रहा है कि शायद रिश्ता हाँ होगा या ना। उसके मतलब मीनू के हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही थी, हृदय की धड़कन तीव्र, हार्ट बीट्स फास्ट हो रही थे। उसे अतीत की स्मृति हो आई, अतीत की स्मृति, वो पिछली बातें याद कर रही थी। पहले भी कई बार देखकर उसे नापसंद कर दिया गया था, मतलब पास्ट में भी कई बार उसके साथ ऐसा हुआ था कि लड़के वाले आए थे, उसे देखा था और फिर ना कह दिया था। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं होती थी जब उसका परीक्षा फल निकलता था। मीनू को इतनी घबराहट, इतना डर तब भी नहीं लगता था जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। ये ऐसा इसलिए कहा गया है कि मोस्टली रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है, तो हम पहले जैसे रिजल्ट न्यूज़पेपर में आते थे और जब डिक्लेयर होता है तो हमें बहुत कहीं ना कहीं डर रहता है, 10th 12th का रिजल्ट आ रहा हो तभी। पर उससे भी ज्यादा डर, उससे भी ज्यादा घबराहट मीनू को रिश्ते का हाँ या ना होने पर होता था। पर आज यह घबराहट कैसे, वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहाँ से पत्र आया है। यह कल्पना कर उसके हृदय की धड़कन और तीव्र हो गई। जैसे ही उसने सोचा कि शायद पोस्टमैन की आवाज है, तो शायद हो सकता है मेरठ से, अमित के वहां से पत्र आया है, और उसकी हार्ट बीट्स फास्ट हो गई। पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, एग्जाम्स में
स्कूल एग्जाम्स में वगैरह, कॉलेज एग्जाम में वह हमेशा फर्स्ट आती थी, प्रथम आती थी, परंतु इस एग्जाम में वह नहीं समझ पा रही थी कि वह पास भी हो सकेगी या नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि मीनू के मन में क्या चल रहा होगा। तभी उसे रोहित की आवाज सुनाई दी, मीनू का भाई रोहित जोर जोर से बोल रहा था कि मेरठ से पत्र आ गया है। पिताजी ने पत्र पढ़ा, एक एक करके सबने पत्र पढ़ा, परंतु पढ़ने के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा गई। तो उसे रोहित की आवाज सुनाई दी कि मेरठ से है, पर उसे ये भी समझ में आया कि सब लोग एक एक करने के बाद पत्र पढ़ रहे हैं और सब लोग सैड हो रहे, मतलब कोई तो गुड न्यूज नहीं है, ज्यादातर शायद ना ही हुआ होगा, रिश्ता ना में आया होगा। घर में मौन छा जाने से, मौन सन्नाटा, साइलेंस, सब चुप हो गए। मीनू समझ गई कि यहां से भी वह नापसंद कर दी गई है। ये बहुत बुरा लगता है ये सुन के कि तुमको डिसलाइक कर दिया गया है, तुम्हें पसंद नहीं किया गया है। उस तरह की कुछ अभी मीनू पे गुजर रही थी। उसे समझ में आ गया था कि यहाँ भी मुझे अप्रूव, मतलब पसंद ही नहीं किया गया। यह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा। दिल रो पड़ना मतलब बहुत ज्यादा उदास हो जाना, रोना आना। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसमें क्या कमी है। कुरूप तो नहीं है वह, कुरूप मतलब अगली, ब्यूटीफुल का अपोजिट कुरूप, रूपवान, रूपवती, कुरूप उसका अपोजिट कुरूप। तो ब्यूटीफुल, उसको पता था कि वो सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं, परंतु तो अब उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि वो इतनी बुरी भी तो नहीं दिखती है। तो फिर उसमें ऐसी क्या कमी है कि हर बार किसी ना किसी कारण से उसे लड़के वाले नापसंद कर देते, नापसंद कर देते, पसंद नहीं करते हैं। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। हीन भावना घर कर गई मतलब उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूट रहा था। वह अपने आप को दूसरे लोगों से कम समझने लगी थी, एक तरह का इंफीरियर समझती थी वह। कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट हो जाते खुद से, हमें समझ में नहीं आता और हमें लगता है कि हमारे अंदर ही वो कमी है जिसके कारण लोग हमें नापसंद कर रहे। इस तरह की फीलिंग अब मीनू के अंदर थी, इसलिए मीनू के अंदर एक हीन भावना घर कर गई थी। इन शॉर्ट उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, वो इंफीरियर फील कर रही थी। शायद वह विवाह के योग्य ही नहीं है, शायद वह शादी के लायक ही नहीं है। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि विवाह नहीं करेगी। उसने डिसाइड किया कि मैं शादी नहीं करूंगी। एक ठंडी सी आह भरकर वह तकिए में मुंह छुपाकर लेट गई और मायूस, दुखी होके, बहुत सैड, और जिसका मन टूट गया हो, और ठंडी सी आह भरकर मतलब दर्द में, बहुत पेन में, वो तकिए के अंदर, पिलो के अंदर अपना फेस हाइड करके लेट गई। बाहर कमरे में माताजी व पिताजी बात कर रहे थे, मीनू के माँ बाप। उन्होंने यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। अब हमें सबको पता है कि अमित के घर से ये डिसाइड किया गया था कि हम लेटर में लिखेंगे कि हमें आशा पसंद आई है। उन्होंने डायरेक्टली मीनू को पसंद नहीं किया, पर उन्होंने बदले में ये कह दिया कि हम आशा, हमें ज्यादा पसंद आई है, हम उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो अब मीनू को तो ये बात पता नहीं थी, उनसे ये पता था कि बस मुझे नापसंद कर दिया गया है, और वह उदास होके अपने कमरे में तकिए में मुंह छुपाकर लेट गई। और यहाँ उसके माताजी पिताजी ये सोच रहे हैं कि इन लोगों ने आशा का हाथ क्यों मांगा। आशा का हाथ मांगना मतलब आशा को एज अ ब्राइड, एज अ शादी के लिए तैयार है, दे वेर रेडी टू एक्सेप्ट आशा। आशा कौन है? मीनू की छोटी बहन। माँ बोली, मैंने उसी दिन आशा से कहा था कि तू अंदर कमरे में नहीं जाना, जा लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहा सुनी, पहुंच गई वहीं पर। अब माँ याद कर रही है जिस दिन लड़के वाले आए थे, मैंने ना बोला था आशा को कि वहां पे मत बैठना,
पर आशा उधर ही पहुंच गई और शायद उसको देखकर लोग लड़के वालों ने मतलब अमित और उसके घर वालों ने मीनू की जगह आशा को पसंद कर लिया। कुछ देर रुककर देख लिया ना तुमने उसका नतीजा, कहकर माँ ने ठंडी आ भरी। ठंडी आ भरी मतलब दुख के मारे कराहना, पेन के कारण हम जैसे कोई बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और पेन हुआ और हम आवाज करते उसे कहते ठंडी आ भरना। परंतु मीनू की माँ आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही तो दे रही है, फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर पर बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी नहीं करेंगे। इंटर मतलब इंटरमीडिएट स्कूल, इंटरमीडिएट एग्जाम दैट इज 12th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर मीनू के पिता दयाराम जी कहते हैं कि वो तो अभी सिर्फ 12th की एग्जाम दे रही है, अभी छोटी है और ऐसे भी बड़ी बहन की अभी शादी हुई नहीं है, तो एक समाज में एक नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली में जब तक बड़ी बेटी घर की शादी नहीं होती है छोटी बेटी की शादी नहीं की जाती है। बेचारी मीनू वह तो वैसे ही उदास रहती है, क्या बीतेगी उसके दिल पर जब वह यह सब सुनेगी, माँ ने परेशान होकर कहा। माँ अभी भी मीनू को बहुत अच्छे से समझती है, उस पर गुस्सा भी नहीं करती है, मतलब ऐसा नहीं कि उसके मन का हाल उस नहीं समझ पा रही है, उसको क्या दर्द हो रहा है वो बोल रही है कि बेचारी तो ऐसे ही सैड रहती है। जब उसको ये पता चलेगा कि सामने वाले लड़के वालों ने उसकी जगह उसकी छोटी बहन को पसंद कर लिया है तो पता नहीं उसको और कितना बुरा लगेगा। हमारी बेटी ने क्या कसूर किया है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है, पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास हुई है, जहां तक खूबसूरती की बात है बहुत सुंदर ना सही, देखने में अच्छी लगती है। यह कहकर पिताजी कुछ उदास से हो गए। यहाँ मीनू के फादर भी बहुत ज्यादा सैड है कि मीनू एमए पास है, फर्स्ट क्लास आती है, प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में पास होती है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ना सही बट ब्यूटीफुल तो है, सुंदर तो दिखती है, तो फिर पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसमें इसका क्या फॉल्ट है। और यह सब बातें मीनू अंदर कमरे में बैठी सुन रही थी, और भाई ये सब मीनू सुन रही थी कमरे में बैठ कर, और अपने अंदर साहस एकत्र कर वह पलंग से उठ खड़ी हुई, अपने अंदर एक हिम्मत एक करेज उसने गैदर किया एंड वो बेड से खड़ी हो गई और मन ही मन में वो एक निर्णय निर्णय मतलब एक डिसीजन ले चुकी थी। क्या डिसाइड कर लिया था मीनू ने कि अब शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वह जो निर्णय ले रही है वह उचित है कि नहीं। अंत में इसी निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली। तो यहाँ हमें मीनू का एक दूसरा रूप देखने मिलता है, जो मीनू अब तक उदास थी, सैड थी, हर बार लोगों के द्वारा ना कहे जाने पर उसे नापसंद किया जा रहा था, उससे उसको मन ही मन कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था और उसके मन में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब हीन भावना आ गई थी। अचानक ही उसने अपने आप को बांधा, करेज उसने दिखाया, शी स्टूड अप, वो उसने डिसाइड कर लिया एंड शी डिसाइडेड कि अब मैं शादी नहीं करूंगी। तो यहाँ पर उसके मन में जो अंतर्द्वंद इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि वेदर वॉट एवर शी इज गोइंग टू डिसाइड, जो उसने डिसीजन लिया है इट इज राइट और रॉन्ग, बट एट द एंड शी डिसाइडेड कि मैं शादी नहीं करूंगी। बहुत सोच समझ के मीनू ने आखिरी में ये फैसला ले लिया। पिताजी व माताजी के उदास चेहरों को देखकर उसकी आंखें दुख से बोझिल हो गई। दुख से बोझिल हो जाना मतलब वो खुद ज्यादा बहुत ज्यादा सैड हो गई थी कि शायद शी इज द रीजन, उसके कारण उसके पेरेंट्स आज इतने दुखी हैं। वो उनके दुख को भली भांति अच्छी तरह से समझ रही थी। कितनी अभागिन थी वह जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। तो यहाँ मीनू की जो मन की बात है वो बताई गई है कि किस तरह खुद इतनी ज्यादा दुखी होने के बाद भी उसने अपने आप को साहस दिखाया और उसने एक
निर्णय लिया और कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी ये बात थी कि वह बहुत ज्यादा अनलकी, अनफॉर्चुनेट है, अभागिन है। अभागिन भाग्यवान, उसका अपोजिट अभागिन, जिसकी किस्मत ही खराब है। वो ऐसी लड़की है कि शी इज द रीजन, कि उसके कारण उसके माता पिता परेशान है। इस तरह के विचार मीनू के मन में चल रहे थे। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी आप मेरी चिंता ना करें, आशा की शादी वहां कर दे, मेरे कारण आप उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बोल्ड डिसीजन मीनू ने लिया कि छोटी जो बहन है आशा, अगर वो लोग को आशा पसंद आ गई है तो आपको आशा की शादी कर देनी चाहिए, अगर मेरी शादी नहीं हो रही है तो आपको आशा की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। नहीं बेटी, ये सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी तुम्हारी मन स्थिति को हम भली भांति समझते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा, यह कहकर पिताजी ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। यहाँ पे हम एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता देखते हैं दयाराम जी और मीनू के बीच में। दयाराम जी अभी भी अपनी बेटी का साथ दे रहे, उसकी फीलिंग्स को समझ रहे, एंड ही सेइंग कि बेटा मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर, वर मतलब ग्रूम, अच्छा लड़का देखूंगा शादी के लिए, और मैं तुम्हें समझता हूँ भली भांति, मतलब वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझता हूँ, कर उसे संभाल रहे थे। यहाँ हम देखेंगे कि दयाराम जी और उनकी पत्नी मीनू को समझा रहे हैं और उनके हाथ में अमित का लेटर आया हुआ है मायाराम जी का। पर यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि मीनू ने बहुत बोल्ड डिसीजन, एक बहुत साहसी डिसीजन लिया। बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे ये एक खुद के लिए डिसीजन लेना भी, अदरवाइज लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे हालात में। पिताजी आप इतने परेशान ना हो, मैं अपनी चिंता अपने आप करूंगी, आप आशा की शादी कर दीजिए। पर इस तरह से जब बड़ी बहन की शादी ना हो और छोटी की करती, क्या कहेगा समाज हमें? या नहीं कि बड़ी बेटी अभी घर पे बैठी है और छोटी की शादी कर दी? पिताजी कुछ तेज स्वर में बोले। अभी भी यहाँ उसके पिता पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो रहे और वो किसके बारे में सोच रहे, समाज सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि कैसा पिता है जो बड़ी बेटी की जगह अपनी छोटी बेटी की शादी कर रहा है और मेरी बड़ी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई। मिडिल क्लास फैमिली में आज भी बेटी की शादी नहीं होना मतलब बहुत अच्छी बात पिता को लगता है, जिससे समाज में उसकी इज्जत जा रही है। अब समाज कितनी चिंता करते हैं, क्या करता है समाज हमारे लिए, या समाज ही हमें है इस तरह की परिस्थिति के लिए विवश करता है। आप समाज की चिंता ना करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। तो यहाँ पे मीनू बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखती है कि आप कौन से सोसाइटी, समाज सोसाइटी की चिंता कर रहे हो, वो सोसाइटी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, और इसी समाज की रीति रिवाजों, कस्टम्स ट्रेडिशंस और इन्हीं प्रथाओं के कारण आज हम लोग इतने हेल्पलेस हो गए हैं और हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने को फोर्सफुली इस समाज के कारण हमको ये डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। तो आप ऐसे समाज की चिंता मत कीजिए, ऐसे सोसाइटी की चिंता मत कीजिए और आप शादी कर दीजिए। ऐसे करके मीनू कहीं ना कहीं अपने पिता को हिम्मत दे रही है। तभी पास बैठी माँ बोल पड़ी, बेटी हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी की शादी हो। माँ आप मेरी शादी की चिंता ना करें, मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने आप अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूँ जिससे मैं बोझ न बन सकूं। मीनू भरे कंठ से बोली। भरा कंठ मतलब जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोना आ जाता है, तो जस्ट यू आर अबाउट टू क्राई, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो, उसे कहते हैं भरे कंठ से बोली, कंठ मतलब गला, कि आप मेरी चिंता ना करें, एंड आई हैव डिसाइडेड, और मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ। पाँव पर खड़ी होना मुहावरे का मतलब है आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना, मीन्स सेल्फ सफिशियंट होना, खुद मनी अर्न करना, और मैं किसी पे बोझ, बर्डन नहीं बनना चाहती। बोझ कैसा बोझ,
एक बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ है, ऐसा कैसे सोच लिया तूने? मीनू की माँ मीनू से कह रही है कि तूने ये सोचा भी कैसे कि तू हमारे लिए एक बर्डन है। माँ अब बुरा मान गई, मेरे कहने का अभिप्राय अभिप्राय मीनिंग मतलब यह नहीं था। मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि हर लड़की को भी अपने पांव पर खड़ा होना आवश्यक है। तो यहाँ हम मीनू की एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि वो पढ़ी लिखी है एंड उसकी थिंकिंग है कि एवरीवन शुड बी लाइक, उसको अपना वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, ही शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, एवरीवन शुड बी लाइक दैट ओनली। तो हर किसी इंसान को अपने पाँव पर खड़ा होना आवश्यक है। आज के आधुनिक आधुनिक मॉडर्न युग एज, तो आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। तो आज इस मॉडर्न एज में मेल एंड फीमेल, गर्ल्स एंड बॉयज, वे एक दूसरे से कंधा मिलाना मतलब दे आर इक्वल, और दोनों मिलकर एक साथ एक समान काम करती है। और मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मीना के बातों में अब कॉन्फिडेंस आने लगा था, मीनू की बातों में कॉन्फिडेंस था। मीनू ने बात संभालने का प्रयास किया कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आप पे बोझ हूं, मेरा ये मतलब था कि मुझे अब आत्मनिर्भर होना है, मुझे भी अब पैसे कमाने हैं, मतलब कहीं ना कहीं अर्न करना है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। मीनू अपने पाँव पर खड़े होने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु शादी करना भी आवश्यक है। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी जिंदगी का भी क्या भरोसा है? कौन करेगा दुख सुख में तेरी मदद? अपने पति का और बच्चों का तो सहारा होता है जो वृद्धावस्था में काम आते हैं। माँ अभी भी मीनू को कन्विंस कर रही है, के लिए बोल रही है कि मीनू पढ़ लिख अपने पैरों पे खड़ी हो, मतलब बी इंडिपेंडेंट बी सेल्फ सफिशिएंट, पर जिंदगी बहुत लंबी है और शादी करना भी जरूरी है। और जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब फिर तेरे पास कौन रहेगा, मतलब यू विल बी अलोन एट दैट टाइम। जब बच्चे और हस्बैंड रहता है और फैमिली होता है, वो ही एक सपोर्ट होता है। इस तरह से दे आर ट्राइंग टू कन्विंस मीनू शादी के लिए। पर माँ अभी मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है, आप आशा की शादी की बात चलाए, यह कहकर मीनू अंदर कमरे में चली गई। मीनू ने कहा कि फिलहाल राइट नाउ तो मैं शादी नहीं करूंगी, और यह कहके वे कमरे में चली गई। माँ और पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, सिर्फ मीनू के कहने पर आकर आशा की शादी कर दे। अभी वे इस उलझन में फंसे थे कि इतने में पिताजी के एक मित्र आ पहुंचे, मित्र एक फ्रेंड आए। दे वेर कंफ्यूज, अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो वे उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे, तो एक और दूसरे इंसान आए, उनके फैमिली फ्रेंड कह सकते हो आप, दयाराम जी के क्लोज फ्रेंड आए, जिन्होंने ये सब बातें जब उनको पता चली तो उन्होंने सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं डिसाइड कर दिए कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। यह सब निर्णय लेने के बाद पिताजी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। अब दयाराम जी ने डिसाइड कर लिया कि मेरठ जाया जाए, एंड दे डिसाइडेड कि हम आशा और अमित की शादी करने के लिए तैयार हैं। अपने दिल में आशा संजोए, आशा होप्स, आशा का रिश्ता लेकर, ये दोनों आशा अलग है। दिस आशा मीन्स होप्स एंड उम्मीद, और ये आशा उनकी बेटी का नाम है। अपने दिल में ये होप्स लेके, अपनी बेटी आशा का रिश्ता लेकर पिताजी अमित के घर पहुंचे मेरठ। उन्हें बड़ी उम्मीद थी क्योंकि आशा से शादी की बात स्वयं उन्होंने पत्र में लिखी थी, उन्होंने मायाराम जी ने। यू प्लीज राइट इट डाउन देयर इन योर टेक्स्ट बुक, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, कि मायाराम जी ने उन्होंने पत्र लिखा था। तो उन्हें पता, उन्हें मन में ये भरोसा था कि अब तो शादी हो ही जाएगी। घर में उस समय कोई नहीं था। किसके घर में? मायाराम जी के घर में मेरठ में। नौकर ने दरवाजा खोला और दयाराम जी को अंदर बिठा लिया। अभी उन्हें बैठे कुछ ही समय हुआ था, इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती न्यू कार, ब्रांडेड न्यू कार, ग्लीमिंग शाइनिंग, एक
कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया तो मायाराम जी के वहां दयाराम जी बैठे थे, और तभी वहां पे एक कार आके रुकी, और उस कार में कौन निकला जी? धनीमल जी, सरिता के पिता। यह ज्ञात होते पर कि मायाराम जी कहीं बाहर गए हैं, वे सज्जन भी वहीं बैठ गए, और बातों ही बातों में पता चला कि वे शहर के बड़े व्यक्ति हैं धनीमल जी। तो यहाँ मायाराम जी के घर पे, अमित के घर पे दयाराम जी बैठे हुए इंतजार करने कर रहे थे, और तभी धनीमल जी आए अपनी कार लेके। धनीमल जी ने बताया कि उनकी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है। उन्होंने ये बात दयाराम जी को बातों ही बातों में बता दी कि उनकी बेटी का रिश्ता अमित से पक्का हो गया है, और 5 लाख रुपए लगा रहे हैं वे शादी में, और डाउरी के नाम पे या शादी में खर्चे के नाम पे 5 लाख 5 लाख रुपीज वो स्पेंड करने वाले। यह ज्ञात, ज्ञात मतलब पता चलते ही दयाराम जी के पाँव तले धरती खिसक गई। धरती खिसक जाना मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आ रहा था, और अचानक डर के मारे, घबराहट के मारे, जैसे अचानक हम कोई बुरी बात सुनते हैं और हमारी हालत हो जाती है, उस तरह दयाराम जी को लगा कि सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। उन्होंने एक भी मिनट वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वे वहां से उठ खड़े हुए। तो वो मायाराम जी के घर से वैसे ही निकल आए, बिना मायाराम जी से मिले हुए। सारे रास्ते थ्रू आउट द वे अपने घर आते हुए दयाराम जी यही सोचते रहे कि उन्होंने आशा के रिश्ते के लिए क्यों लिखा, जबकि उन्होंने एक धनी घर की बेटी से रिश्ता कर दिया था। अब उन्हें लग रहा था कि जब उनको शादी करनी ही नहीं थी, तो जबरदस्ती उन्होंने आशा से हम रेडी हैं, तैयार हैं शादी करवाने के लिए अमित की, ऐसी बात क्यों लिखी थी जब ऑलरेडी दे ऑल हैव डिसाइडेड कि अमित की शादी सरिता से होने वाली थी। कैसी जालिम है ये दुनिया, जालिम, क्रूएल या ऑप्रेसर, बहुत बुरी है ये दुनिया। सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में, इंसान में इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी तो नहीं रही है। इस तरह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा मायाराम जी, अमित और उसकी फैमिली के लिए था। उन्हें लग रहा था कि वर्ल्ड में अच्छे लोग ही नहीं बचे। किसे लग रहा था? दयाराम जी को। इंसान मतलब ह्यूमन, ह्यूमैनिटी भी नहीं बची है, किसी में कोई शर्म लज्जा कुछ नहीं बचा है। इस तरह उनके मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा था। सोच रहे थे बहुत कुछ, सो मेनी इमोशंस। घर पे सभी उम्मीद लगाए बैठे थे, और घर पे सबको क्या लग रहा था कि चलो आशा का रिश्ता हो जाएगा, एक अच्छे लड़के से हमारी बेटी की आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा। घर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए कि आशा के रिश्ते के लिए भी मना हो गई है। तो उनको तुरंत ही समझ में आ गया जिस चेहरा देख के दयाराम जी का, पर जब वास्तविकता, रियलिटी उनको पता चली कि मायाराम जी ने तो ऑलरेडी पहले ही सरिता से अपने बेटे अमित की शादी पक्की कर ली थी, ये तो सिर्फ एक तरीका था उन्हें ना कहने का, और 5 लाख रुपयों के कारण उन्होंने अपने बेटे की शादी पहले ही फिक्स कर दी थी। तो ये सब सुन के दयाराम जी और उनके परिवार के लोगों के मन में ऑब्वियसली मायाराम जी और उसके परिवार के लिए बहुत ज्यादा घृणा मतलब नफरत, हेट मतलब बहुत ज्यादा नफरत उनके दिलों में पैदा हो गई थी। तो यहाँ हम समझते हैं कि किस तरह दयाराम जी के सामने ये सारी बात आती है, और कहीं ना कहीं अब वे बहुत ज्यादा दुखी है, और कहीं ना कहीं दुख से ज्यादा गुस्सा और नफरत है मायाराम जी और अमित की फैमिली के लिए। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज इन द चैप्टर 5। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।